योजना आहे शिष्यवृत्ती आचार्य आदी ज्या काही योजना आहेत त्या योजना प्रभावी लोकांपर्यंत नेणं, त्याची जनजागृती करणं, त्याचा पत्रकार परिस्थिती घेणं हे बंधनकारक आहे, हे कायद्याला धरून आहे. जे कायद्याचं उल्लंघन केलं जातं त्यांच्या गुन्हे दाखल झालेच पाहिजे. नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा जरूरतमंद छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहा गया है. इस संदर्भ में अभिभावक एवं छात्रों में जनजागृति ना होने के चलते कई छात्र छात्रवृत्ति से वंचित नजर आते हैं. इसी छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अंतिम अवधि 31 जनवरी तक दिया गया है. इसीलिए अब ऐसे लोगों में जनजागृति करने के लिए एवं छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए कुछ युवा छात्र आगे आए हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन को लेकर अपनी राय पत्रकारों के सामने रखी, जिसका आयोजन नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था के माध्यम से संस्था के अध्यक्ष एवं पूर्व विरोधी पक्ष नेता दशरथ भगत के नेतृत्व में किया गया था. इस दौरान दशरथ भगत के माध्यम से जो प्रमुख मुद्दे रखे गए वो इस प्रकार है. ऑनलाइन आवेदन का अवधि 31 जनवरी है, ये मोहलत 15 दिन और बढ़ाई जाए. 111 वार्ड में विभाग कार्यालय अंतर्गत हर वार्ड अंतर्गत समूह संगठन नियुक्त किया जाए. इस योजना में जो शर्तें हैं उसे शिथिल किया जाए. डिजिटल यंत्रणा से कोई छात्र प्रभावित ना हो इसका ख्याल रखा जाए. ऑनलाइन की तरह ऑफलाइन अर्जी भी स्वीकार की जाए. स्वच्छ भारत अभियान के तर्ज पर ऑनलाइन छात्रवृत्ति की जनजागृति की जाए. दशरथ भगत ने जिन मुद्दों को सामने रखा वो इस प्रकार है. छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन एवं जनजागृति के लिए की विशेष कक्ष की स्थापना. नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था के संस्थापक अध्यक्ष दशरथ भगत ने कहा कि छात्रवृत्ति योजना की जनजागृति के लिए प्रभाग क्रमांक 65, 77 एवं 78 में विशेष कक्ष की स्थापना की जाएगी. साथ ही वाशी सेक्टर 1 में भी एक कक्ष का निर्माण किया जाएगा जहां छात्रवृत्ति को लेकर जनजागृति एवं ऑनलाइन आवेदन के लिए युवा छात्रों द्वारा मदद की जाएगी, जिसका शुभारंभ 13 जनवरी को लोकनेता दीपा पाटिल जयंती पर किया जाएगा. जी शिष्यवृत्ति है पहली ते महाविद्यालयापर्यंत, यामध्ये फक्त RTI अंतर्गत घेतलेले विद्यार्थी, शिक्षण घेतलेले घेणारे विद्यार्थी आणि महानगरपालिकेच्या शाळेत शिकणारे विद्यार्थी, या व्यतिरिक्त बाकी सर्व विद्यार्थ्यांना जे गरीब आणि विविध वंचित आणि बाधित घटक आहेत त्या घटकांसाठी शिष्यवृत्ती महानगरपालिकेच्या माध्यमातून देण्यात येते. परंतु ती व्यवस्था उचित नाही, व्यवस्थित नाही आणि हे गुपित ठेवलेलं आहे, त्याची प्रसिद्धी करत नाही. म्हणून पुनर्वसन सामाजिक संस्थेने, नवी मुंबई पुनर्सामाजिक संस्थेने या ठिकाणी या योजनेचा लाभ, ही योजना अधिक प्रभावी व्हावी म्हणून याची जनजागृती करणं आणि संस्थेच्या माध्यमातून स्वतंत्र बेस स्थापन करून विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी आज या ठिकाणी पत्रकार परिषद घेतलेली आहे, जेणेकरून सर्व घटकांना त्याचा लाभ मिळावा. मग नवी मुंबईमध्ये महानगरपालिकेने विभाग कार्यालयामध्ये जी डेस्क स्थापन केलेली आहे, यंत्रणा स्थापन केली, ती अपूर्ण आहे, ती त्यामध्ये अधिक करावं. जे 111 वार्ड आहेत त्यांनी फक्त 16 फक्त डेस्क लावले, मदत केंद्र लावले, त्यांनी प्रत्येक वार्डासाठी लावावं. त्यासोबत नवी मुंबईमध्ये वार्ड क्रमांक 65, 77 आणि 78 या तिन्ही वार्डमध्ये देखील आमचे स्वतंत्र आपला प्रभाग आपला परिवार नवी मुंबई पुनर्सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून 3 ठिकाणी आम्ही वासीगाव, जुगाव आणि पांबिल ठिकाणी या केंद्र स्थापित केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे नवी मुंबईसाठी पांबीज सांबारा सेक्टर 1 शिवालय कॉम्प्लेक्स येथे नवी मुंबईसाठी आम्ही तो केंद्र स्थापन म्हणजे असे 4 केंद्र आम्ही स्थापन करणार आहोत. उद्या दिबा पाटील आमचे जे लोकनेते दिबा पाटील साहेब त्यांची जयंती आहे, त्या जयंतीचे निमित्त त्यांचा आदरांजली म्हणून त्या दिवशी उद्या शुभारंभ होणार. नवी मुंबई मनपा नहीं कर रही है छात्रवृत्ति योजना की जनजागृति. दशरथ भगत ने यह भी आरोप लगाया कि नवी मुंबई महानगर पालिका छात्रवृत्ति योजना की जनजागृति नहीं कर रही है और ना ही उन्हें लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, जो कि नियमों का उल्लंघन है. या ठिकाणी खिरापत वाटत नहीं,
या ठिकाणी वाटपण्याचं सोंग घेतलं जातं आणि तो कामचुकार करतात, त्याची ती कामचुकार केलाय तो कामचुकार म्हणून या जे अंमलबजावणी राबवली जात नाही तो कायद्याचा उल्लंघन केला जातो। जी योजना आहे शिष्यवृत्ती असेल आधी ज्या काही योजना आहेत त्या योजना प्रभावी लोकांपर्यंत नेणं, त्याची जनजागृती करणं, त्याचा पत्रकार परिषद घेणं हे बंधनकारक आहे, हे कायद्याला धरून आहे। जे कायद्याचं उल्लंघन केलं जातं त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेच पाहिजे। नवी मुंबई मनपाकी छात्रवृत्ति योजना एक डार्क सीक्रेट। दशरथ भगत ने यह भी आरोप लगाया कि नवी मुंबई महानगर पालिका की छात्रवृत्ति योजना ये एक डार्क सीक्रेट है, क्योंकि उनके माध्यम से इस योजना की कोई जानकारी नहीं दी जा रही और ना ही कोई यंत्रणा लगाई जा रही है। इसीलिए नवी मुंबई महानगर पालिका का ये डार्क सीक्रेट होने की बात भी उन्होंने कही। महानगर पालिका प्रशासन ज्या काही योजना आहेत त्या योजना सांगत नाही, एकदा फक्त प्रेसला जाहिरात देते, नंतर त्याची जनजागृती करत नाही। ते त्याचा कसा लाभ घ्यावा त्याची यंत्रणा सांगितली जात नाही। यंत्रणा सांगत नाही, जी यंत्रणा असते ती अपुरी असते, हे षडयंत्र आहे। म्हणून मी जाणीवपूर्वक नाही, मी शुद्धीत बोलून सांगतोय की मी आरोप करतोय। जर मी जर आरोप करत असेल तर महानगरपालिका पत्रकार परिषद घेऊन माझ्या आरोपाचं खंडन करावं। जे काही शासन असेल ते भोगायला मी तयार आहे, पण त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मी जे आरोप केलेले आहेत मी सांगितले हे षडयंत्र आहे, हे सायकोलॉजिकल डार्क सिक्रेट आहे, हे बिगेस्ट सिक्रेट आहे, सायकोलॉजिकल डार्क सिक्रेट आहे। जर तुमचे षडयंत्र नसेल तर पत्रकार परिषद घ्यावी, त्यांना जिथे वाटेल ते पत्रकार परिषद घ्या। महापालिका ज्ञान केंद्र आहे, अनेक त्यात दालनं आहेत, पत्रकार परिषद घ्यावे आणि सांगा का दशरथ भगत हा धांदात खोटा बोलतोय, तो आरोप करतोय, ही त्यांनी ते सिद्ध करावं। जे काय त्या ठिकाणी कायद्याच्या माध्यमातून लोकशाहीला माध्यमातून घटनेने सांगण्यामध्ये जो का त्या ठिकाणी जो काही शासन असेल ते मी भोगायला तयार आहे। केवळ कुर्सी बचाने के लिए पालिका अधिकारी राज्य सरकार की आंखों में फेंक रहे हैं धूल। आगे उन्होंने ये भी कहा कि कुछ चुनिंदा अधिकारी केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं एवं सरकार के आदेशों का पालन किए जाने की बात का दिखावा कर खुद राज्य सरकार की आंखों में ही धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। यह अभियान महानगर पालिका की तरफ से है, महानगर पालिका ने इसकी सही सही लोगों को जानकारी देना चाहिए। जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो बहुत सारी उसके अंदर खामी है, कमी है, वो सही होना चाहिए, ताकि ये जो योजना है ये जो आम जो घटक है जो अफेक्टेड वर्ग है वो अफेक्टेड फैक्टर है उसकी तरफ जाना चाहिए और वो अधिक कार्यक्षमता से जाना चाहिए और सबका उसका लाभ मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है, उसके लिए हमने खुद के भी केंद्र स्थापित किए हैं, वार्ड क्रमांक 65, 78 और 77। महापालिका सरकारला तो जनतेलासाठी पैसा द्यायचा आहे, पण प्रशासनाची जी जो कामचुकारपणा म्हणतो किंवा हालगर्जीपणा म्हणतो किंवा त्यांच्यामध्ये जो काम करण्याची प्रवृत्ती आणि वृत्तीसुद्धा नाही आहे, फक्त खुर्च्या कशा वाचवाव्यात, तो पैसा ज्याच्यासाठी फक्त पैसे कमवायला आलेले आहेत। सर्वांनाच बोलत नाही, मी काही अधिकारी म्हणतो, काही अधिकारी फक्त पैसे कमवायला आलेले आहेत आणि खुर्च्या वाचवायला आलेल्या आहेत आणि खुर्च्या कायम करण्यासाठी आलेल्या आहेत, पैसे द्यायचा विषयच नाही आहे, कामच करायचं नाही हो यांना। तो वही छात्रवृत्ति योजना का अध्ययन करने वाले कुछ छात्रों ने भी अपनी राय पत्रकारों के सामने रखी। नवी मुंबई महानगर पालिकेने जी शिष्यवृत्ति योजना काढलेली आहे ती खरं म्हणजे गरजू विद्यार्थ्यांसाठी आहे, झोपडपट्टीमधले जे लोक आहेत त्यांच्यासाठी आहे, जे महानगरपालिकेमध्ये लोक काम करतात त्यांच्यासाठी आहे, पण ती माहितीच नाही लोकांना। महानगरपालिकेने त्या लोकांपर्यंत ही योजना पोचवलीच नाही आहे, तर माझी हीच मागणी आहे की ही योजना कमीत कमी त्या लोकांपर्यंत पोचावी, त्या झोपडपट्टीमध्ये महानगरपालिकेने कॅम्प सेटअप करावेत, त्या लोकांना थेट लाभ देण्यात यावे, अशी काही योजना करता येईल, अरेंजमेंट करता येईल तर ती महानगरपालिकेने करावी। महानगरपालिकेची इच्छाच दिसत नाही आहे की ही योजना त्या लोकांपर्यंत पोचावी। एक जाहिरात देऊन ते मोकळे झालेत, त्यानंतर त्यांनी जसं स्वच्छ भारत अभियानासाठी त्यांनी कोटी रुपये खर्च केलेत की आम्ही स्वच्छ भारत अभियान राबवतोय, तसं ही योजना राबवत आहेत याची प्रसिद्धी का नाही करते महानगरपालिका, त्याची प्रसिद्धी झालीच पाहिजे। खामियां ये नज़र आ रही है कि जो नाना के माध्यम से हम लोग चार कैंप्स पे जो बैठे थे तो वो चारों कैंप्स में
चारों कैंप्स में हम लोग ने जो ट्रायल बेसिस के ऊपर फॉर्म्स भरे उसके अंदर ये समझा कि ये प्रोसेस बहुत लंबा है, और सेकेंडली जो गरीब आदमी है जिसको ऑनलाइन मीडिया के थ्रू, वो लोग ऑनलाइन के थ्रू जो नहीं भर सकते लिंक्स के थ्रू, वो लोग एक नॉर्मल पेपर को डॉक्यूमेंट में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो लोग ये फॉर्म्स कैसे भरेंगे, और इसके अंदर जो इनकम सर्टिफिकेट देना है, बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं, सिंपली कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रोसेस होने 15 डेज तो ऐसे ही लग जाते हैं। तो महानगर पालिका को ये चीज़ बढ़ानी चाहिए, एक डेढ़ दो महीने तक, कम से कम 3 महीने तक तो करना चाहिए कि लोगों को जो स्कॉलरशिप है उसका फ़ायदा हो, और वही पैसे लोग अपने अच्छे के लिए यूज़ करें, जो बुक्स है, बच्चों को बुक्स चाहिए या तो स्कॉलरशिप्स है उसके लिए यूज़ हो। खामियां ये है कि नई मुंबई महानगर पालिका को सबसे पहले तो इसका एक एडवर्टीजमेंट अच्छे लेवल पे करना चाहिए, जैसे वो लोग ने स्वच्छ भारत अभियान का किया है, होर्डिंग्स है, बैनर्स है, लोगों तक ये चीज़ पहुँचानी चाहिए, टेक्स्ट मैसेजेज है, तो ये सब गरीब लोगों को इसका फ़ायदा होगा और ये स्कॉलरशिप उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। पहले तो लोगों को बताना चाहिए कि लाइक ऐसे ऐसे आप लोग ने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की है, तो वो चीज़ आप लोगों को पहुँचाओ भी, सिर्फ बना के छोड़ना नहीं है। तो वही पहले आप जो भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें तो उसके पहले डेट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके एक थोड़े टाइम पहले उनको एक टाइम दो ताकि वो प्रिपेयर्ड रहे वो चीज़ के लिए। जो जिनको आता है उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो लाइक टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बट जिनको नहीं आता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। जैसे कि अभी जो लोअर कास्ट के है, जो लोअर क्लास के लोग, बच्चे लोग हैं, उनको टेक्नोलॉजी का उतना आइडिया नहीं है, तो अब हर किसी को ऑनलाइन जाके वो प्रोसेस कंप्लीट करना ईजी नहीं है। तो इसीलिए दोनों क्रिएट करना चाहिए ताकि जिनको ऑनलाइन ईजी रहेगा वो ऑनलाइन करेगा, जिनको ऑफलाइन रहेगा तो वो ऑफलाइन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।